फीफा वर्ल्ड कप में कुरान पढ़ने वाले लड़के की कहानी, रियल हिस्ट्री ऑफ घानम अल मुफ्ताह। हे हाय, हेलो, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हैं। और आज ना एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, मुझसे उम्र में छोटे हैं पर मैं यही कहूँगी कि औहदे में बेहद बड़े, बे इंतहा मोहब्बत से उन्हें अभी नवाजना चाहूँगी मैं, क्योंकि जिस तरीके की दावत वो फीफा वर्ल्ड कप में दे रहे हैं काबिले तारीफ है। उन्हीं से फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग कराई गई और उन्हीं को वहाँ पे सर्वे सर्वा बना रखा है, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं वो पोजिशन। कुरान की सभी आयतें याद हैं उनको, अल्लाह पाक ने उनको पूरा शरीर गिफ्ट नहीं किया है पर उनको इतना बेहतरीन दिमाग, इतनी बेहतरीन रूह और इतना खूबसूरत जहन दिया है कि वो दुनिया भर में पीस का पैगाम फैला रहे हैं। इस्लाम इज़ ऑल अबाउट पीस एंड दैट्स व्हाट ही इज़ स्प्रेडिंग राइट नाउ। देखिए, वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, उनकी असल ज़िंदगी क्या है, क्या वो करते हैं, क्या उनका पेशा है, हमें कुछ पता नहीं है, पर हमें जानने की ज़रूरत है कि कौन है वो। ही डेफिनेटली इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यूथ लाइक मी। कभी सोचा नहीं जा सकता था कि फीफा वर्ल्ड कप ऐसा इस्लामिक होगा, पर हो रहा है, ये सच्चाई है। चलिए इस वीडियो को एक बार देखते हैं और दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड प्योर बच्चे की कहानी जानते हैं। आज के इस वीडियो से हमें बहुत सारा इल्म मिलने वाला है, सो बी रेडी फॉर इट। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कतर और कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की ही चर्चा हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग फीफा वर्ल्ड कप पर नजर बनाए रखे हुए हैं तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं तो इस बच्चे को जरूर देखा होगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया के थ्रू बार बार ये बच्चा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ ही जाता होगा। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये तो वही खास कारी है कि जिसके जरिए से कतर की हुकूमत ने फीफा की ओपनिंग में कुरान की तिलावत करवाई थी। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार यानी मॉर्गन फ्रीमैन के, जिसको कतर हुकूमत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में इनवाइट किया गया था, उनकी बहुत सारी वीडियोस अब इस बच्चे के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, जिसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि मॉर्गन फ्रीमैन की तरफ से इस खास कारी से कुछ सवाल किए गए, जिसके जवाब में सबसे पहले तो इस कारी ने बड़ी ही खूबसूरत आवाज में कुरान की एक आयत पढ़ी और उसके बाद उसी आयत के एक्सप्लेनेशन से उसका जवाब दिया। इन दोनों के बीच का ये डिस्कशन बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस डिस्कशन को पहले ही देख चुके होंगे। मगर उन सारी वायरल वीडियोस को देखने के बाद ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल यही है कि आखिर ये बच्चा है कौन, और इसको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि जिसकी वजह से इसकी बॉडी का आधा पार्ट मौजूद ही नहीं है, और इस बच्चे में ऐसी कौन सी काबिलियत मौजूद है और ऐसी कौन सी खासियत मौजूद है कि जिसकी वजह से कतर हुकूमत की तरफ से फीफा जैसे बड़े इवेंट की ओपनिंग की जिम्मेदारी इस बच्चे को दी गई थी, और इस बच्चे से ही कुरान की न सिर्फ तिलावत करवाई गई थी बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी करवाया गया था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस खास इंसान का नाम है घानम अल मुफ्ताह। ये कतर ही के रहने वाले हैं और इनका जन्म कतर ही में 5 मई सन 2002 में हुआ था, यानी इस वक्त इनकी उम्र लगभग 20 साल के करीब हो चुकी है। इनका एक जुड़वा भाई भी है और इसके अलावा ये बचपन से ही एक ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार थे कि जिस बीमारी में इंसान की रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा डेवलप नहीं हो पाता है। यही वजह है कि शुरू में ही डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना था कि ऐसी कंडीशन में एक इंसान का सर्वाइव करना बिल्कुल नामुमकिन बात है। मगर दोस्तों, वो कहावत है कि जिसको अल्लाह रखे उसको भला कौन चखे, और यही बिल्कुल घानम के केस में हुआ। घानम ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने हौसले और अपनी हिम्मत के बलबूते पर वो न सिर्फ इस बीमारी से लड़ाई करता रहा बल्कि हमेशा जिंदा रहने में कामयाब रहा। और घानम की इस जीत ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया बल्कि उन कुछ खास लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी जगा दी कि जो लोग घानम जैसी बीमारियों का ही शिकार हैं। शुरू शुरू में जब घानम के माँ बाप ने इसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराना चाहा था तो ज्यादातर स्कूलों ने तो इसको लेने से ही मना कर दिया था, और आखिर में जिस स्कूल में घानम एडमिशन लेने में कामयाब हो भी गया था तो वहाँ पर ज्यादातर बच्चे घानम के अपाइज होने की वजह से उसके साथ रहने और उसके साथ खेलने से परहेज किया करते थे। घानम आज भी अपनी सक्सेस और अपनी कामयाबियों की सबसे बड़ी वजह अपने माँ बाप को बताता है, क्योंकि घानम के मुताबिक उसके माँ बाप ने उसके अपाइज होने के बावजूद भी उसकी पॉजिटिव तरीके से परवरिश की। ऐसे माहौल में कि जब दुनिया वाले उसको देखकर अलग हट जाते थे, उससे बचने की कोशिश करते थे, तो ऐसे माहौल में भी उसके माँ बाप ने बड़ी ही अच्छी तरीके से न सिर्फ उसकी परवरिश की बल्कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की।
फिलहाल गानिम का इलाज तो आज भी चलता रहता है, मगर हाँ अब वो एक आम इंसान जैसी जिंदगी गुजारते हैं। मगर सवाल तो अब भी यही है कि आखिर ये इतने ज्यादा मशहूर कैसे हो गए और कतर के लोग इनको इतनी ज्यादा अहमियत क्यों देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज का जवाब आप लोगों को सही तौर पर इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट को देखकर मिल सकता है, क्योंकि खास बात यह है कि गानिम भले ही अपनी आधी बॉडी ना रखते हों, इनके सिर्फ हाथ ही मौजूद हों और पैर मौजूद ना हो, मगर उसके बावजूद भी ये वो काम कर सकते हैं कि जो शायद हम में से कोई इंसान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। पहली चीज तो ये है कि इस वक्त ये कतर के सबसे कम उम्र के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और यकीनन ये एक हैरानी की बात है। इसके अलावा वर्कआउट एक्टिविटीज में से भी शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटी होगी कि जो गानिम ना कर सकें। स्विमिंग ये भी अच्छी तरीके से करते हैं, पहाड़ों पर ये चढ़ जाते हैं, कार ड्राइव ये कर लेते हैं, रनिंग ये कर लेते हैं, फुटबॉल ये खेल लेते हैं और इसके अलावा भी न जाने ये क्या क्या करते रहते हैं। इन सारी चीजों की वीडियोस बकायदा आप लोगों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिल भी जाएंगी। बात करें अगर बिजनेस के बारे में, तो गानिम ने आइसक्रीम की एक बड़ी कंपनी की बुनियाद रखी है, एक ऐसी कंपनी की जिसकी 6 से ज्यादा ब्रांचेस खुल चुकी है और इसके अलावा उसमें 60 से 70 लोग नौकरी करते हैं। इतना ही नहीं, गानिम का अब ये सपना है कि वो अपने बिजनेस को बड़ी तेजी के साथ बढ़ाएगा और अपनी इस कंपनी को गल्फ के साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैलाएगा। गानिम ने अपनी फैमिली की मदद से अल गानिम फाउंडेशन नाम की एक ऐसी तंजीम यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी रखी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में अपाहिज लोगों को व्हीलचेयर मुहैया कराए, यानी दुनिया में जितने भी अपाहिज लोग हैं कि जिनको व्हीलचेयर की जरूरत होती है उनको फ्री में व्हीलचेयर प्रोवाइड कराना इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आप लोग गानिम की हिम्मत और हौसले का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि बॉडी के नीचे का आधा पार्ट न होने के बावजूद भी गानिम का जो फेवरेट खेल है वो दरअसल फुटबॉल है। वो अपने स्टूडेंट लाइफ से ही हाथों में दस्ताने पहनकर हाथों की मदद से ही फुटबॉल खेला करता था। गोताखोरी में भी गानिम का कोई जवाब नहीं है। गानिम समुन्दर की गहराई में लगभग 200 मीटर तक गोता लगा सकता है। इसके अलावा सन 2017 में गानिम ने मक्का जाकर बगैर चेयर के यानी हाथों के बल उमरा भी किया था। हैरानी की बात यह है कि गानिम गल्फ की जो सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है कि जिसको जबल शम्स के नाम से जाना जाता है, उस पर भी चढ़ चुका है और अब गानिम का ये सपना है कि वो एक न एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़कर दिखाएगा। दोस्तों, आज गानिम के इंस्टाग्राम पर लगभग 3.6 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी इनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और यही वो सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से गानिम न सिर्फ कतर बल्कि पूरी ही दुनिया के नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। हर इंसान ये सोचता है कि जब गानिम जैसा इंसान ये सब कुछ कर सकता है तो आखिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से ही कतर हुकूमत ने भी गानिम अलमिफ्ता को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा दिया और पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दिस वीडियो एक्चुअली मेड मी इमोशनल, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज लाइक दिस। वो मूव नहीं कर सकता था और उसकी रिसेंटली कुछ वक्त पहले ही डाइड ऑफ दैट बॉडीली कंडीशन। उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई, पर वो भी इतना हैपनिंग था, इतना प्यारा बच्चा था और वो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। आप सब दुआएं करिए उन सभी बच्चों के लिए जो ऐसी डिजीज़ से सफ़र करते हैं। पता है, उसकी डेथ से 3 दिन पहले मैं उससे मिलने के लिए गई थी और हॉस्पिटल के बेड पर वो था, तब वो मुझे क्या बोलता है, दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड दैट वॉज द टाइम आई अंडरस्टूड कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है। वो एक एक पल को उधर जी रहा था और वैसी मिसाल कायम करी है इन्होंने, ढेर सारा प्यार इनको मेरी तरफ से। हमें बस यार यही चीज़ अपने माइंड को रिमाइंड करवानी है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे दुखी नहीं होना। छोटी सी खरोंच लग गई, हम ऐसे हो जाते हैं कि यार क्या हमारे तो चोट लग गई, अब हमारे तो तकलीफ़ हो रही है। पर असली बात तो ये, हमसे भी ज़्यादा कोई पीड़ित हो सकता है, हमसे भी 100 गुना ज़्यादा कोई सफ़र करते हुए भी ना मुस्कुराहट के साथ जी सकता है। यही तो तबलीगी जमात वाले भी सिखाते हैं कि मुस्कुराइए। मैंने रिसेंटली एक तबलीग का वीडियो देखा था, आई रियली लव्ड इट। और इस उम्र में इतना प्यारा बिजनेस करना, इतनी प्यारी बातें करना, ये ना केवल काबिले तारीफ है पर ये अपनाने वाली बात है। वी नीड टू अडॉप्ट ऑल दीज मैनर्स, एटिकेट्स एंड एटीट्यूड दैट मुस्तफ़ा साहब
हैज़ टूवर्ड्स लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि हमने बहुत कुछ आज इस वीडियो से सीखा है जो हम अपनी असल ज़िंदगी में अपनाएंगे और हमेशा मुस्कुराएंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अल्लाह हाफिज़।